जी रमन जी सारे ने जी सारे कैसे हो, बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज है सोमवार, तो फिर मैं ये जो अगस्त के जो सोमवार शुरू है वो करूँगी, मतलब पीछे कौन कर पाई थी, तो चलो इसके 4 या 5 बनाएंगे, एक शिवरात्रि भी आ गई तो वो कर ले। हाँ तो मैं होगी हूँ नहा धोके ना, बिल्कुल रेडी है। देखो मैंने ग्रीन कलर का सूट डाल लिया, ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली, जो कि मैं शुभ होया करेगा, सिंदूर दूसरा लगाना चाहिए, मैंने वो भी लगा लिया। आज तो कितनी जमा बोलेगा, बंदा राजी करके आऊँगी, जो सब कुछ कोई काम अटक गया था बाबा, बस पूरी कृपा कर दे। मेरी थाली भी तैयार है, सर दादा जो कुछ तैयारी हुई वो मैंने सारी कर दी है। इन्हें फूल वगैरह ले दिए, फूल ले दिए, धूप है, घी है, जो पत्ती है, देखिए कोई कमी रहेगी हो तो बताओ। नहीं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारी लाडों ने भाई सोमवार का व्रत कर रखा है, सुबह से लगी हुई है भाजम भाज में तैयारी कर रही है, कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है, सारा काम तैयार हो गया है, अब चलेंगे मंदिर में पूजा करने के लिए, सारा सामान डाल लिया है। हेलो जी, तो बस अब ये है मंदिर की क्लिप, और मंदिर में पहुंच गए थे, 9:30 का टाइम हो गया था, और ये तो आज लेट भी हो गए थे वैसे, तो मैंने कहा तभी थोड़ी सी क्लिप बना ली ताकि आप सबने दिखा सकूँ मेरे सासरे में मंदिर किसा है, तो उस खातर फिर इन्हें थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये देखो ये दिखने लगी, ये तो राधा कृष्ण का, और जहाँ मैं बैठी दिखूँ थी आपने वहाँ शिवलिंग है। अब ये घुमाओगे जो फ़ोन में वाटर कूलर लग रहा है, और ये देखो ये है यहाँ शिवलिंग, तो इस तरह है भाई, ठीक है। और यहाँ पंडित जी बैठे रहे, अगर आज वो तो कौन थे शायद उनकी फैमिली और बैठी थी। और ये देखो भाई फिर फटाफट मैंने जल चढ़ाया और जोत बत्ती वगैरह सब कुछ करी, तुलसी में जोत धूप लगाई और सरसों का तेल लेके थी मैं, ताकि पीपल में भी दिया जला के आवा, लेकिन हवा इतनी तेज़ ज़बरदस्त चला थी, फिर मैंने शिवलिंग के पास में अंदर की साइड ही रख दिया। ये देखो बहुत पुराना पेड़ है पीपल का, और ये दिखाने लग रहे थे, फिर मुझसे चलो फटाफट करके ना अपना निपटा के ना चल पड़ा घर ने, बताइए किसी। हेलो जी, राम राम जी सारे ने, और जी सारे कैसे हो, बढ़िया हो गया, राम राम। अपनी बार होली है, सुबह सुबह जब मैं जाके आई थी मंदिर में तैयार हो रही थी, उन्होंने डाल रखा आज ग्रीन ग्रीन चूड़ी, ग्रीन सूट, रेड दुपट्टा और दूसरा सिंदूर डाले आज। तो भाई जिस दिन व्रत रखा मंदिर में जाके आना, उस दिन लगे मतलब एक सुकून था, कितनी टेंशन हो घर में, कितनी हो दिमाग में कितनी, लेकिन उस टाइम शांति मिला है मंदिर में जाके, वास्तविकता है ये, झूठ नहीं है। तो भाई आज तुम्हें सुकून मिला है, और बस अभी जो बच गई मेरी सारी सामान मर मैं पहले मर नहीं पाई थी, तो देखते हैं भाई ट्राई करके, बोले बाबा कितनी सुनेंगे अपनी, ठीक है। तो ये सारे रखेंगे, और पहले मैं सारे रखा करती, मैंने सादी पहले 16 सोमवार भी करे थे, और इसी बात को उसी हिसाब से मैंने मतलब अच्छा पति मिल गया, अच्छा घर मिल गया है, सेवा बात को बिल्कुल कह दूंगी मिला ना। और बाकी देखो सुख दुख और भाई ये चीज़ तो जीवन में चलती रहे, चाहे आप किसी राज्य का चले जाओ तो भी वो तो कोई बात होगी। अब भोलेनाथ तो सारे कमेंट में जयकारा लगा दियो, देखूंगी आज कौन कौन कमेंट करेगा, या फिर उनके नाम पर लाइक कर दियो भाई, कमेंट नहीं करो तो ठीक है। सीएन में आगे स्वादी है, वह थोड़ी लेट हो गई थी, तो उसका तो टाइम थोड़ा ऊपर नहीं छोड़ जाएगा, तो फिर कब नहीं आओ, उसने मुश्किल दिन वहाँ के तो क्या की सुवाई है फ्री करके मैं, और फिर आप 2 मिनट बात करूँगी, और वीडियो ज़्यादा लंबी थी क्योंकि मैं मंदिर में थोड़ी सी बनाई थी, और मैंने चाय पी ली है, बर्तन वगैरह हैं थोड़े से ये साफ करने, आज कपड़े धोने को नहीं, और बस इनका खाना बना के रखना है, वो थोड़ी देर में बिंदी खाते भी उनका यार बिंदी बिंदी उठा के जब ध्यान में आओ उसका, इतना मैं लगाए रखती हूँ, नहीं टिक्का लगाना पड़े करे। तो भाई बहुत सारी हो गई हैं बात, और कूलर की आवाज़ आती हूँ थोड़ी इग्नोर करती हूँ, प्लीज़ भाई मैं कहाँ जा के बात करूँ, यही ठिकाना है। पसंद करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दो भाई, परी के बर्थडे का कुछ टाइम रह गया, तो मैं चाहूँगी 450 हो गया आस पास हो जाऊँ मेरे सब्सक्राइबर, और भाई व्यूज़ बढ़ाया करो, पूरी वीडियो देखा करो, बीच में छोड़ के ना जाया करो, या आपने मतलब पसंद आना शुरुआत करते हो तो लास्ट तक देखा करो, ठीक है। तो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।